इतने सारे पैसे कोई देख तो नहीं। पैसे? शिट, पैसे कहाँ चले गए? रामू! जी दीदी बोलिए। रामू, मैंने कुशन के पीछे पैसे रखे थे, तुमने देखे क्या? यहाँ? नहीं दीदी, मैंने तो कोई पैसे नहीं देखे, मैं तो अंदर किचन में काम कर रहा था, मैं तो यहाँ पर आया भी। अच्छा, क्यों दीदी, क्या हुआ? नहीं, वो राजा ने मुझे कुछ पैसे दिए थे रखने के लिए, मैंने यही रखे थे, अब दिख नहीं रहे हैं। नहीं दीदी, मैंने यहाँ पे कोई पैसे नहीं देखे। चलो कोई बात नहीं, तुम जाके अपना काम करो। ठीक है दीदी। ईशु, जो मैंने आपको कल रात में पैसे दिए थे वो पैसे मेरे को दे दो, ऑफिस जाना है मेरे को। राजा, वो पैसे मुझे मिल नहीं रहे, मैंने यही रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। ईशु, मिल नहीं रहे मतलब तुमने अच्छे से चेक किए? हाँ, मैंने अच्छे से देख लिए, मैंने वो पैसे यही रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। और घर में कोई आया तो नहीं था? नहीं। यार ईशु, तुम कब से इतने केयरलेस हो गए? एक काम करो, सीसीटीवी कैमरे चेक करो। हाँ। ईशु, ये देखना। इसका मतलब रामू ने चोरी की है। रामू, रामू! जी दीदी बोलिए। क्या है ये सब? जिस घर से तुम्हारा घर चलता है उसी घर में तुम चोरी करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? और मैंने तुमसे पूछा था ना कि पैसे कहाँ हैं, तुमने क्या बोला? मुझे नहीं पता दीदी, तुमने झूठ बोला मुझसे, तुम्हें शर्म नहीं आई झूठ बोलते हुए? वो ना दीदी, इतने सारे पैसे ना देख के ना मुझे लालच आ गया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। लालच? लालच हमेशा हमारा नुकसान कराता है, और चोरी करे हुए पैसे से तुम्हारा घर नहीं चलता, जो तुम मेहनत करते हो ना उससे तुम्हारा घर चलता है। अच्छा चलो, एक काम करो, जो तुमने ये पैसे चोरी करे ना अपने पास रख लो, और ये जॉब छोड़ दो, मैं देखता हूँ कि इन पैसों से तुम कितने दिन अपना घर चला लोगे। दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, तो मुझे घर से मत निकाले, मैं आज बस कभी चोरी नहीं करूँगा। चोरी नहीं करूँगा? एक चोर को मैं अपने घर में नहीं रख सकता, और इसकी सजा मैं तेरे को अगर चाहूँ तो पुलिस में भी दे सकता हूँ, पर जो तूने मेरे घर में इतने साल तक काम किया है ना, इस वजह से मैं तेरे को जाने दे रहा हूँ। चल एक काम कर, मेरे पैसे निकाल। तुमने टेम्परेरी चीज के लिए एक परमानेंट चीज खो दी है, बाहर निकल जाओ मेरे घर से। और ईशु, थोड़ा तुम ध्यान रखा करो,